कमीशन खोली की गई। उत्तर प्रदेश की नहरों को सफाई के नाम पर ठेके दिए गए अपने लोगों को ठेके दिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवानों के हितों पर कुठाराघात किया, उनके हितों को लूट लिया गया। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के साथ जितना बड़ा धोखा समाजवादी सरकार ने किया है, इतना धोखा आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किया नहीं। यानी उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उसका संघ लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसके चेयरमैन को हाईकोर्ट के द्वारा हटाना पड़ा। यानी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पैसा खाकर नियुक्तियां की गई, और उसमें उत्तर प्रदेश के आम नौजवान, जो प्रतियोगी नौजवान हैं, उनके साथ धोखा हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन को हटाना पड़ा हाईकोर्ट के द्वारा, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को हटाना पड़ा उसके द्वारा। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। एक बड़ा सवाल अखिलेश यादव उठाते रहे हैं कि बीजेपी पूरे 4.5 साल तक इस सवाल को खड़ा करती रही है कि इनकी समाजवादी पार्टी के 4.5 मुख्यमंत्री हैं, उसी बीजेपी के पास एक उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं। हमारे पास अनेक सीएम के चेहरे हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, लेकिन हम विचारधारा आधारित दल हैं, कार्यकर्ता आधारित दल हैं। हमारे पास विचार है, हम विचार को लेकर यात्रा करते हैं, वो परिवार को लेकर यात्रा